नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। जनपद इटावा में रिश्तों को कलंकित करने का बड़ा मामला सामने आया है। तीन पुत्रों ने अपने पिता को जमीन के मामले में मौत के घाट उतार दिया। ताजा मामला भरतना थाना क्षेत्र के मंगूपुर का है, जहां पर गांव में रहने वाले एक वीरेंद्र सिंह नाम के शख्स ने अपनी 8 बीघा जमीन किसी व्यक्ति को बेच दी थी। इस मामले के बारे में जैसे ही वीरेंद्र सिंह के पुत्रों को जानकारी हुई, वीरेंद्र सिंह के 3 बेटों ने पिता की हत्या की योजना बनाई। इसी दौरान 3 बेटों ने पिता की हत्या की और हत्या करने के बाद भरतना उषाहार मार्ग पर शव को फेंक दिया। वही पुलिस ने बताया कि 2 नवंबर को स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिली कि सड़क किनारे शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और आगे की जांच पड़ताल की थी। इसी दौरान हत्या के मामले में वीरेंद्र के बेटों पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने वीरेंद्र के 3 बेटों को गिरफ्तार किया है। खास रिपोर्ट। 2 तारीख में सुबह भरतना पुलिस को ये सूचना मिली थी कि मंगूपुर गांव के पास जंगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस डेड सूचना पर वहां पे इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब सभी लोग गए। बाद में उसकी शिनाख्त वहीं के रहने वाले वीरेंद्र के रूप में हुई। शुरू में क्योंकि जाहिरा रूप से उसके चेहरे पर चोटें थी, पीएम कराया गया। पीएम में हत्या की पुष्टि होने के बाद इस पूरे प्रकरण में पुलिस की विवेचना तथा परिजनों के जो इसमें मृतक है उसके लड़के ने जो तहरीर दी है उसमें मुकदमा लिखा गया। ये रिश्तों को कलंकित करने वाला एक केस है, जिसमें बच्चों के द्वारा, खुद के मृतक के 3 बेटों के द्वारा अपने पिता की हत्या की गई। इसकी पृष्ठभूमि में ये है कि इस वीरेंद्र सिंह ने 2012 में भी अपने हिस्से की कुछ ज़मीन बेची थी। उस समय इनकी पत्नी ने व्यथित होकर आत्महत्या कर ली थी। अभी अगस्त के महीने में भी अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा इसने बेचा, जिससे इसके लड़के नाराज़ थे। लड़कों से इसने बातचीत भी करी तो शायद सुनता नहीं था। 1 तारीख में इसके 3 लड़के इसमें इकट्ठा हुए तथा इनकी आपस में बात हुई। उसी बातचीत में इन लड़कों ने, तीनों ने ये निश्चय कर लिया कि अब बाप को रास्ते से हटाया जाए। तो इनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई तथा उसके चेहरों पर घातक प्रहार किए गए, जिसके कारण, और इन्होंने एक और बदमाशी करने का प्रयास किया, चेहरे पर अंगोछा रख के, जिससे कि बिल्कुल जाहिर वो ना लगे, अंगोछा रख कर उससे उसके चेहरे पर बहुत प्रहार किए गए। पीएम में 9-10 वार हैं, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। फिर उसे हटाने के लिए और दूसरे लोगों को फंसाने का भी इसमें प्रयास किया गया। जिन लोगों को ज़मीन बेची थी उन्हें भी फंसाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन इंस्पेक्टर भरतना ने बड़ी सूझबूझ के साथ और बड़ी गहनता के साथ इसकी वो विवेचना की तो उससे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं। आज इसके 3 बेटों को जेल भेजा जा रहा है।